बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक जवान के करीब से गुजरे जो बाग को पानी दे रहा था। उस नौजवान ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे एक ज़र्रा अपने इश्क का अता फरमा दे। आपने फरमाया, एक ज़र्रा बहुत बड़ी चीज़ है, तुम इसके तहम्मुल की इस्तेआत नहीं रखते। कहने लगा, अच्छा आधे जर्रे का सवाल कीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे ताला से सवाल किया, ऐ अल्लाह इसे आधा जर्रा अपने इश्क का अता फरमा दे। इसके हक में ये दुआ करके आप वहां से रवाना हो गए। काफी मुद्दत के बाद आप फिर इसी रास्ते से गुजरे और इस नौजवान के मुतालिक सवाल किया। लोगों ने कहा, वो तो दीवाना हो गया है और कहीं पहाड़ों की तरफ निकल गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी इस जवान से मुलाकात करा दे। बस आपने देखा, वो एक चट्टान पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। आपने इसे सलाम कहा मगर वो खामोश रहा। आपने कहा, मुझे नहीं जानते, मैं ईसा हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल की कि ऐ ईसा, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत का आधा जर्रा मौजूद हो वो इंसानों की बात कैसे सुनेगा। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अगर इसे आरी से दो टुकड़े भी कर दिया जाए तो इसे महसूस तक ना होगा। सुभान अल्लाह।